कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, मैं यहाँ पे हजरत स्पीच कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, अब मुझे कोई देख के मुस्कुराए, यार ये कमाल दर्जे की बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरा कलेजा इतना नहीं होगा है। क्यों यार, वो जो पर्सनैलिटी है ना, वो जिसको आप मानते हो, जिसकी 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 बड़ी पॉपुलरिटी है, हैं, जिसका बड़ा मकाम व मर्तबा है आप में, आप सब के दिल में मेरी इज्जत आएगी। क्यों? इसलिए कि वो मुझे देख के मुस्कुराते। आपने कहना यार वो देखो, वो दांत दे रहा है, वो देख के मुस्कुरा रहा है कि यार कमाल हो गया है। ये मेरे नबी का फरमान है, काश के आपके दिल में ये उतरी बात। मेरे नबी पाक ने फरमाया, जब रात का वक्त होता है, सारे बिस्तर भी होते हैं, फरमाया उस वक्त जो बिस्तर छोड़ के वुजू की तरफ आता है, वुजू करके मुसल्ले पे आता है, ये नबी पाक का फरमान है, फरमाया उस शख्स की तरफ देख के रब मुस्कुरा रहा होता है। ये हदीस है, रब मुस्कुरा, अब रब का मुस्कुराना क्या है? मैंने पहले कहा हजरत ये वक्त बड़ा कलील होता है, मैं मौजू कभी छिड़े ना करिए, एक घंटे की गुफ्तगू हो, फिर आपको पता चले कि यार इसके अंदर क्या है। अब मुस्कुराना क्या है? मतलब उलमा ने यह बयान किया, अदेहकु मिनल्लाह सुबहानहु व तआला महमूलुन अला गायति रिजा, कहते हैं जिसकी तरफ देख के रब मुस्कुराता है, मतलब ये है अल्लाह ताला उसे राजी हो।